हमारा यह लक्ष्य है कि इसमें अवध प्रदेश के मुख्यतः अयोध्या के और आसपास के छात्रों का प्रवेश हो। वे सभी अधीत होने चाहिए और उनका प्रशिक्षण होने के पश्चात भी उनमें से हम परीक्षा लेकर के चयन करने वाले हैं। यह बात नितांत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि भगवान श्री रामलला का जो भी रोज का विधि विधान सेवा कार्य चलेगा और नैमित्तिक उनके जो उत्सव आदि होंगे वे सारे हमारे वेदशास्त्र अनुमोदित और रामानंदीय संप्रदाय के अनुसार चलने चाहिए। इस प्रकार का हम लोग विधान पूरी तरह पूरे मन से कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और हम लोगों ने जो यहाँ पर एक श्री राम सेवा विधि विधान समिति बनाई है जो धार्मिक सभी कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करती रहेगी, उसका कार्य अब विधिवत आरंभ हो चुका है। और इस समिति के माध्यम से भगवान श्री राम की पूजा कैसे हो इसका पूरा ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। वह ग्रंथ बनने के पश्चात उसके अनुसार अध्ययन करने वाले छात्रों का चयन होगा। इन छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी, उनका प्रशिक्षण होगा और उनमें से हम लोग उत्तम छात्रों को चुन करके उन्हें यहाँ पर अर्चकों के रूप में निश्चित रूप से नियुक्त करेंगे।